वायरलेस किताब से आप बिल ले आए, उसमें आप देखें उसमें क्या कहा, उसमें कहा कि 18 साल तक बच्चे के ऊपर फिजिकल वायलेंस, इकोनॉमिकल वायलेंस, इमोशनल वायलेंस और साइकोलॉजिकल वायलेंस ये नहीं कर सकते माँ बाप। बच्चों को माँ बाप को बच्चों के लिए कठेरे में खड़ा कर दिए। अभी इमोशनल वायलेंस क्या है? इमोशनल आंखें दिखाना, साइकोलॉजिकल बातें सुनाना, इकोनॉमिकल वायलेंस क्या है कि आप बच्चा जाके कहें कि भाई मेरे बाप के आमदन ज्यादा है लेकिन मेरे पैसे ज्यादा नहीं दे रहा, मैं पार्टी करने जा रहा हूँ। पता है वो क्या होगा? कहते हैं उसको मलकियती घर से निकाला जाएगा, उसको 6 माह के तो 2 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा और उसके हाथ या पांव में खड़ा डाला जाएगा जो बराह रास्त के जरिए से इलाके के SHO से रابطे में होगा ताकि वापस घर की तरफ। अब ये कानून आप यहाँ ला रहे भाई, वो मैं चीन गया था तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने 1 माह मैंने चीन में गुजारा कि मैंने यहाँ माओ से तुम का नाम नहीं सुना, हालांकि वो आपका बानी है, बहुत बड़ा लीडर था, लॉन्ग मार्च का बानी था। उन्होंने कहा कि जो जदीद चीन का बानी है वो माओ नहीं है, वो डिंग है, डिंग ज़ियाओपिंग 1985 में, और वो कहते हैं वो माओ नाकाम हो गया, डिंग कामयाब हो गया, इसलिए कि माओ चाइनीज प्रॉब्लम के लिए रशियन सोल्यूशन ढूंढ रहा था। अच्छा। तो वो नाकाम हो गया। हमारे सियासतदान पाकिस्तानी प्रॉब्लम्स के लिए यूरोपियन सोल्यूशन ढूंढते हैं, अमेरिकन सोल्यूशन ढूंढते हैं, तो ना मसला हल होता है, मसला और बिगड़ जाता है और उसके नतीजे में हमारे माशरा और तजादात का।